Zombie Apocalypse. हेलो एवरीवन, तो यार कैसे हो तुम सब? आई होप अच्छे होंगे। तो बड़े दिनों के बाद जो है मैं एक और नया एपिसोड लेके आया हूँ हमारी परसूट सीरीज का। और पिछले एपिसोड में जो हमने हमारी परसूट सीरीज के उसमें जो हमने डीलो को टैम करा था, डायलोफोसोरस को, और रिवॉर्ड में हमें मिला था कुछ एक्सपी, ज़्यादा एक्सपी नहीं मिली थी, और वो भी शायद डीलो को ही मिली थी एक्सपी। तो आज के एपिसोड में जो हम करने वाले हैं डायर बियर का हंट करेंगे, ठीक है, वो वाला परसूट जो होता है डायर बियर हंट परसूट, वो करेंगे और इक्विस के साथ जाएंगे डायर बियर को ढूंढने। तो मैं और मेरा इक्विस जो है रेडी है जाने के लिए रेडवुड में, क्योंकि रेडवुड में ही डायर बियर मिलेगा हमें। उससे पहले मैं इसको थोड़ा लेवल दे देता हूँ इक्विस को, क्योंकि इसकी हेल्थ बस 300 ही है और इसका मूवमेंट स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा लो है, तो इसका मूवमेंट स्पीड भी बहुत हाई करेंगे हम, क्योंकि हमें रेडवुड बहुत जल्दी पहुँचना है, टाइम नहीं लगाना है रेडवुड जाने के लिए। और यहाँ पे इतने हमने लेवल दे दिए इसको, मतलब अब जो है इसका हेल्थ हो गया 3500 हेल्थ हो चुका है इसको, और थोड़ा और लेवल देते हैं इसको क्योंकि इसका मूवमेंट स्पीड कुछ ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो 116 लेवल दे देते हैं इसको मूवमेंट स्पीड में, ओके, 4 लेवल हेल्थ में दे दिया हमने। तो अब जो है हमारा घोड़ा थोड़ा अच्छा बन चुका है, मतलब इक्विस हमारा अच्छा बन चुका है। तो अब जो है परसूट को चालू करते हैं हंट डायर बियर का। उसके लिए हमें लार्ज बियर ट्रैप खोलना पड़ेगा, तो देखते हैं कितने लेवल पे खुलता है लार्ज बियर ट्रैप। ये शायद ओके, ये स्मॉल बियर ट्रैप था, लार्ज वाला खोलना है हमें। तो 31 लेवल पे खुलता है लार्ज बियर ट्रैप हमारा। तो अब चलते हैं सिमिथी में और बनाते हैं लार्ज बियर ट्रैप, कुछ रख देते हैं क्राफ्टिंग के लिए, ओके। तो यहाँ पे मैंने 5 क्राफ्टिंग के लिए रख दिया। अब थोड़ा जीसी का यूज करा जाए, इंस्टेंट क्राफ्टिंग ऑन कर दिया जिससे जल्दी हो गया क्राफ्ट, ओके। तो अब परसूट चालू कर दिया जाए। कहाँ गया हमारा डायर बियर हंट, ये रहा। तो अब चलते हैं, ओके। तो हमने अभी अधूरा ही काम करा है, कुछ और काम करने बाकी रह गए हमारे। हमें जो है लॉन्ग नेक राइफल भी बनाना पड़ेगा और उसका एमओ भी बनाना पड़ेगा। वैसे ये चीज़ की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी कर रहा हूँ, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि तुम ये सब क्राफ्ट करके ही जाओ, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम क्राफ्ट करो या ना करो। तो मुझे अभी गन पाउडर की ज़रूरत है, जो कि मैंने केमिस्ट्री बेंच लगा रखा है, बनाना पड़ेगा गन पाउडर। इसके अंदर भी नहीं है गन पाउडर, गन पाउडर चाहिए। तो जीसी यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने जो है अब परसूट चालू कर दिया, तो मुझे फ्लिंट चाहिए और स्पार्क पाउडर मिल गया तो वो अच्छा रहेगा। स्पार्क पाउडर है लेकिन मैं फ्लिंट लेके जाऊंगा, और इसके अंदर चारकोल भी देखना पड़ेगा, चारकोल भी चाहिए हमें, ओके। तो इसके अंदर चारकोल भी है, तो अब सब कुछ रख देते हैं। अभी जनरेटर ऑफ है, जनरेटर ऑन करना पड़ेगा और स्टोन डाल के स्पार्क पाउडर थोड़ा बनाना पड़ेगा। अब हम क्राफ्ट कर सकते हैं गन पाउडर, ज़्यादा गन पाउडर की जरूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे बन चुका है 100 के करीब, तो अब इसको ले जाते हैं, इतना ही काफ़ी हमारे लिए, क्योंकि लॉन्ग नेक राइफल की 10 ही बुलेट्स चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं चाहिए। अब इसको हमने इसके अंदर डाल दिया, अब इसको क्राफ्ट कर देते हैं, ओके। तो ये बड़ी जल्दी क्राफ्ट हो गया भाई, 30-30-40, अपने को तो बस 10 ही चाहिए था। तो अब चलते हैं भाई डायर बियर को ढूंढने, जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी वो हमने पूरी कर दी है, और तुम देख रहे हो इक्विस की स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इक्विस तो बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला हो गया भाई, इसलिए इसकी स्पीड बढ़ाए थे जिससे जल्दी पहुँच जाए हम रेडवुड में। तो अब मैं तुम्हें मिलता हूँ रेडवुड में डायर बियर को ढूंढ के, ओके। तो यहाँ पे मैं रेडवुड में आ गया हूँ, थोड़ा अंधेरा लग रहा था इसलिए टॉर्च चला लिया मैंने, और रेडवुड में आने के बाद बहुत ही ज़्यादा लैग हो रहा है, और मैप में तो दिखा रहा है कि यहाँ अगल बगल में ही है डायर बियर, पर दिख नहीं रहा, अंधेरा सा थोड़ा लग रहा है मुझे यहाँ पे, और आखिरकार दिख गया। तो पहले इसको मैं ट्रैप करूँगा इसके अंदर, ये ट्रैप खुला नहीं, ओके। आ जा भाई डायर बियर, इसके अंदर आ जा,
ये टेर बर्ड भी आ गया और इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया है डायर बियर को, तो टेर बर्ड को मारना पड़ेगा। डायर बियर की कोई ज़्यादा हेल्थ भी नहीं है, डायर बियर को ही ना मार दिए सब। ओके आखिरी टेर बर्ड बचा हुआ है, इसको भी मारते हैं और उसको ट्रैप करते हैं डायर बियर को। ओके भाई आ जाओ आप डायर बियर ट्रैप के अंदर, और ये हो भी गया ट्रैप, कितनी ही इजीली हो चुका है। और ये एक और टेर बर्ड आ गया है यार। ओके तो इसको भी मार दिया, अब हैचेट से इसको मारता हूँ डायर बियर को। चलो आखिरकार हमने एक डायर बियर को मार दिया। अब यहाँ पे मुझे अपना घोड़ा ढूंढना पड़ेगा, एक भी इसको ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ छोड़ रखा था मैंने। ओके तो यहाँ पे फॉलो करवा लिया, और एक गिगन तो पिथी का साथ चुका है मुझसे लड़ने के लिए, इसको भी हैचेट से मारते हैं। 21 नहीं मारा इसको, क्या बात है। तो चलो अब दूसरा डायर बियर को ढूंढते हैं, यहीं कहीं पे दिखा रहा है लोकेशन, तो कहाँ है। ओके ये रहा, दिख गया एक और डायर बियर। तो यहाँ पे भी ट्रैप लगाते हैं और डायर बियर को इसके अंदर डालते हैं। ये टेर बर्ड फिर से आ गया यार परेशान करने। जब इनका तुम परसूट करोगे ना टेर बर्ड हंट परसूट, तब भाई ये तुम्हें ढूंढने पे भी नहीं मिलते हैं, और अभी बिन बुलाए मेहमान की तरह आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं। तो अब इसको डायर बियर को लाते हैं इसके अंदर ट्रैप के अंदर, और यार ये 21 मुझे फॉलो कर रहा था, इसको फिर से ले जाके साइड में रखना पड़ेगा। डायर बियर 21 को ही मार रहा है, साइड में रख देते हैं इसको और बुलाते हैं। अरे वाह भाई ट्रैप भी हो चुका है ये, और ये ट्रैप पता नहीं ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, अगर तुम ये वाला ट्रैप यूज करते हो ना इस पर तो ज़्यादा देर तक ये ट्रैप नहीं रहते, मे बी 10 सेकेंड तक रहते होंगे, 10 10 10 इतना ही होगा। ठीक है तो यहाँ पे हमारा फाइनली हो चुका है परसूट कंप्लीट, और हमें 850 XP मिली है, और यहाँ पे लॉन्ग नेक राइफल का ब्लू प्रिंट मिला है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लॉन्ग नेक राइफल बनाया था तो उसी का BP दिया है हमें। तो अब इसका डैमेज वगैरह देख लेते हैं, ड्यूरेबिलिटी है इसकी 250 डैमेज है 448, और रिसोर्सेज कोई ज़्यादा लेगा नहीं है बनने के लिए। वैसे सही BP मुझे मिला है, क्योंकि जो है मैं ईजी में खेलता हूँ तो इतना डैमेज बहुत होता है भाई ईजी में। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जो हमारी परसूट सीरीज चल रही है अगर तुम्हें इनमें से कोई सा परसूट जो भी होते हैं तुम्हारे उनमें से कोई सा परसूट मुझे करते हुए देखना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में ट्राई करूँगा उसी पर लाने का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।